सो so बॉर्सो ने साइन कर लिया है विर रॉके को ब्राजील अंडर 20 इंटरनेशनल बेहतरीन बेहतरीन फुटबॉलर है और गोज बाय द नेम जो कि आप कह सकते हो टिग्रीनो हो, एंड ये नाम बेसिकली बेस्ड है अबाउट हिज डैड जिनको कहा जाता था द बिग टाइगर लुइस फिलिपेस को लारे जो कि ब्राजील के फॉरमर कोच रह चुके हैं 2002 में ब्राजील के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीते था एक टीम जहां पे बेहतरीन फुटबॉलर्स थे आई नीड नॉट रिमाइंड यू किन प्लेयर्स को इन्होंने कोच किया है रोनाल्डो नजारियो बिंग वन और जब ये कोच करने स्टार्ट किए यहाँ पे अपने लिटिल टाइगर को तो वॉज वेरी इंप्रेस बाय दिस और जब आगे विथ जब प्रोग्रेस करने लगे ही गोज ऑन टू बिकम दंगेस्ट प्लेयर सिंस रोनाल्डो टू प्ले फॉर ब्राजील नेशनल टीम सो अमेरिका मिनेरोडमी के लिए बंदे ने पहले स्टार्ट किया था टू प्ले एज अ डीएम बट लेटर ऑन जब कोचेज ने देखा कि भाई बंदे की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है हायर अप द पिच इन्होंने इसको कन्वर्ट किया एज अ स्ट्राइकर एंड बार्सोला ने फाइनली इसको साइन कर लिया फॉर अ रिपोर्ट सिक्सटी वन मिलियन जिसमें

तक द मूवमेंट ऑफ दिस गाय टू मी फीस लाइक लुइस सोरेज और सबसे अच्छी बात है कि टेक्निकल क्वालिटी होने के साथ साथ बंदे का एक फिजिकल प्रेजेंस भी रहता है इन द बॉक्स ही वुड नॉट बीट अ टॉलेस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स आउट द लाइक हॉइलैंड है या आपका कोलोमोअनी है बट यह बंदा इज नॉट दैट टॉल थोड़ा सा शॉर्टर स्ट्राइकर है बट बंदे से जो आपको वाइब आएगी ना वो एक लीथल फिनिशर की वाइब आती है सो so, ब्राजील की अंडर 20 टीम जो कि कोच हुई बाय द प्रीवियस मैनेजर रामोन मेनेजेस जो कि करंट अभी इंटरिम मैनेजर है ब्राजील के इन्होंने इसको डेब्यू दिया था इन द ब्राजील सीनियर टीम अंडर 20 चैंपियनशिप में बंदे ने में छह गोल मारे थे एंड तभी से लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया 2023 में तुम देख लो तो इसने 11 गोल मारे इन बंदे का मूवमेंट देखना क्रॉस राइट विंग पे, पे, right पे वो बंदा है ही इज लुकिंग टू क्रॉस इट टू नियर पोल रॉके ने इन डिफेंडर रन मारी बट तुम देखो कि दूसरे स्लाइड में वो अपने रन को इवेड करता है एंड देन ही गोज डिफेंडर एंड डिफेंडर सच इज मूवमेंट ऑफ दिसड इन दी अब ये एक ऐसा स्ट्राइकर है जो कि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता इन द गेम प्ले हमने कई बार देखा है भाई बार्सोना पे या स्पेशली लालीगा में तुम देखोगे अगेंस्ट टीम्स जो कि लो ब्लॉक में खेलती हैं स्ट्राइकर्स आर लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनको टचेस नहीं मिल रहे होते तो कैसे ये बंदा डेवलप करेगा अब बेसिकली इट कम्स टू बेसिकलीवीडेस को कैसे अक्यूमिलेट करने वाला है टीम में बिकॉज इसके तुम देखोगे ना तो पर गेम

पे रहता है तो यह बंदे का जो बैलेंस uh, है एज अट्राइकर फॉर बारोना इट्स वेरी गुडिनेटली प्रॉब्लम है बिल्डअप प्लेस रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट रिगार्डिंग थ्री पॉइंटेड टेकऑन पर नाइनटी है स्टिल जो से कम है इट्स नॉट दैट हाई बट आपको स्टाइल समझ में आ रहा होगा इसका तो अब अगेन इट कम्स डाउन टू जावी हर्नाडेस एंड भाई बंदा ही इज गोइंग टू बी अजीएम सो एम वेरी हैप्पी ट्वेंटी थर्टी तक बारसा ने इस बंदे को साइन किया है रिलीज लॉस फाइव हंड्रेड मिलियन यूरोज ऑलरेडी लग रखा है टू तो प्रोटेक्ट हिम फॉर अदर शूटर्स एंड इज गोइंग टू बार्सा प्लेयर वेरी सुन मैं बहुत खुश हूँ बाई बी स्टडी टू तो लिवानोज की यह बंदा बहुत सारी चीजें सीखेगा अंडर अ वेटरन ऑफ अ स्ट्राइकर लाइक लेवा एंड बाबा मजा आने वाला सो so, बारसा ने अच्छी डील कर लिया द ओनली थिंग दैट नाउ आई वॉन्ट टू सी हैपन इसकी बंदा अभी आ जाए ऑगस्ट में आ जाए हमारे साथ हमारे प्री सीजन ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व हो एंड देन स्टार्ट टू प्ले द सीजन बिकॉज अगर ये मिड सीजन आएगा देन हाउ विल जावी फिट हिम यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी बंदा प्रोबेबली इतने मेरिट्स नहीं ले पाएगा बिकॉज लिवाडोज के ऑलरेडी खेल रहे होंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंटली क्योंकि बंदा इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रिएशन ही इज हाइली डिपेंडेड अपॉन द पासर्स ऑफ द गेम गेम में मिडफील्डर्स कौन है और हमारे पास दो स्पॉन्ट टाइम पे अच्छे पासर्स ऑफ द बॉल है एक है गुंडगौन एंड एक है पेदरी दे आर ऑलवेज अ फाइनल थर्ड प्लेयर जो कि वो पासस निकालते बिहान द डिफेंस एंड विथ अ रॉके वि बेनिफिट फ्रॉम दीज टू गाइज आर सो दट दट अबाउट विथ अके बट नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में मुझे बात करना है एंड दैट इज अ पेविटल पोजीशन इन बार्सोलोना दट इज द पिविट एक्चुअली एंड दैट इज अ रियल रिव्यू अब मैं इस बंद के बारे में एक्सिल क्यों बात कर रहा हूँ इन एनी डे टाइम मैं इस बंदे के बारे में बात नहीं करता बट दे वॉज वन वीडियो जब मैंने इस बंदे के बारे में बात किया जब मैं एक एक एनालिसिस वीडियो बना था अबाउट द मिडफील्डर्स दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स जब उन्होंने कैसे मेरे को साइन नहीं किया था मेरे थर्ड पिक में ओरियल रिम्यू था जो बंदों ने वीडियो देखा होगा वो जानते होंगे इसके बारे में एंड ऑवसली आपने अगर फुटबॉल देखा है साउथहम्टटन पे हिरोना का आपने खेलते देखा तो यू वुड नो अबाउट दिस गाय बार्सा फैम्स तो बेसिकली इस बंदे को जानते बिकॉज ये लाम आसिया का इनका ऑलरेडी प्रोडक्ट रह चुका है लाम आसिया से ही वेंट ऑन टू प्ले एट चेल्सी एट द एज ऑफ नाइनटीन देन ही ज्वाइन साउथहम्प्टन एंड कई सेंट्स फैन है जो कि इसको कहते हैं प्रोबली उस पॉइंट टाइम पे ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम तो एक ऐसा एक इनविजिबल काइंड ऑफ ए प्लेयर है जो कि आप नहीं देखोगे बहुत ज़्यादा नॉइज करते हुए बट ही इज़ अ सटल सटल फुटबॉल है मैं नहीं कहूँगा बार्साह के लिए बेस्ट पिक होगी मैं नहीं कहूँगा Barcelona के लिए बेस्ट साइनिंग होगी बट करेंटली द ऑल दस आउट आम्रबाद भी अगर सिंपली बात Barsa को जरूरत क्या है बार्सोलोना इज लुकिंग एट अ डी एम पॉइंट पे एंड बींग एज बंदे के पास वो एक्सपीरियंस है टॉप लेवल बंदा सीमलेसली बाशा में फिट होगा कमिंग फ्रॉम अब इसके के ट्रेड्स क्या है इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूटर बॉल है बंदा फिर ही इज ऑलवेज रेडी टू डिफेंड द स्पेस एट ट्वेंटी 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 में पेप एक बात कही थी जो कि मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूंगा दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफ़ील्डर्स इन द प्रीमियर लीग और हैड इन दीदी ऑफ टैकल्स मेड पर नाइनटी दैन दिस इनफ़ अफसेड सो वहां से ही स्टार्टेड टू प्ले एट यूरोना अब हाउ डू दे प्ले सबको पता है यूरोना का प्लेइंग स्टाइल इज अबाउट द पोजिशन बेस्ड प्लेइंग स्टाइल एंड ओरियल रिमोज कांड ग जो कि आपके बाकी प्लेयर्स को ना बेहतर बनाता है जो यरोना का प्लेइंग स्टाइल है वो पोजिशन बेस्ड है एंड ही प्लेज एज द डी प्लाइंग प्ले मेकर इन द टीम और एज अ डिस्ट्रॉयर इन द टीम द लाइक टू ऑपरेट फ्रॉम डीप दे लाइक टू बिल्ड अप द प्ले एक हाई पोजिशन ओरिएंटेड टीम है इंट्रग्रेड पासिंग पैटर्न है उनके प्ले के एंड ऑल्सो आप देखोगे

सिमिलर टू वॉट ओरियल रिम्यू प्लेज एट जीरोना तुम देख सकते हो थ्री टू फाइव की फॉर्मेशन में बेसिकली जीरोना सेटअप होती है ओरियल रिम्यू बिकम्स द डीपेस्ट लाइन क्रिएटर इन द टीम जो कि भाई डिफेंस से बॉल लेता है एंड देन ही पासिस इट नेक्स्ट टू हिज

अटैक तीसरी बात होगी कि ये बंदा को टैकल विन करना चाहिए एंड रिकवरीज में इन्वॉल्व होना चाहिए बिकॉज भाई हमारी टीम में बॉल विनिंग मिडफील्डर कोई है नहीं फ्रेंकी ड्योंग से आप एक्सपेक्ट मत करना मैं फिर से बता रहा हूँ चौथी बात एक्चुअली की बंदा नीट इन पासिंग हो आन इन डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब लाइन ब्रेकिंग पासिस करे जो कि बंदा उतने अच्छे तरीके से नहीं करता ओरियल रिव्यू यहां पर मैं रिक्वायरमेंट्स एज अ बॉस डीएम के मैं बता रहा हूं ओरियल रिव्यू के ट्रेक्स नहीं बता रहा हूं ध्यान रखना फिफ्थ पॉइंट होगा कि कंपोजर होना चाहिए एंड बाई फर्स्ट टीम क्वालिटी होनी चाहिए थोड़ा सा डिफेंसिव अवेयरनेस होनी चाहिए और बाई प्रेस को ईवेड करने की स्किल होनी चाहिए अब इनमें से ये सारे जो सात पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए ये सब कुछ ओरियल रिमूव टिक नहीं करता है बट येस इनमें से उसके जो ट्रेड्स हैं इज़ लाइक सिक्योर इन पोजिशन डिफेंसिव इंपैक्ट्स इसके अच्छे हैं मतलब टैकल्स और रिकवरीज इसकी अच्छी है पासिंग में ही इज ऑल राइट इसके एक्यूरेट शॉर्ट पासिस बहुत बेहतरीन है बट हाँ लॉन्ग पासिस में ये बंदा थोड़ा सा कच्चा है आप कह सकते हो एंड बाई प्रेस बीट करना अंडरेटेड फैक्ट है इस बंदे के गेम में एंड ये थोड़ा सा एथलेटिक है quick, like ही इज क्विक वन ऑफ दोस क्विक मिडफील्डर्स एंड इट्स नॉट लाइक ये बंदा पेसी है बट इसके पास वो प्रेस बीट करने की टेनासिटी और अवेलेबिलिटी है सो so ये बंदा बनता है सॉलिड बेस फॉर टू नंबर टू प्ले इन इन द टीम ऑपरेटिंग विल बेनिफिट फ्रॉम हिम एंड सबसे अच्छी बात है बंदा वुड बी अ वेरी चीप साइनिंग यार पर्सनल टर्म्स कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बंदे से डील कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बिकॉज ऑफ जीरोना क्योंकि वो उसको लेट गो नहीं करना चाहेंगे बट पर्सनल टर्म से प्रॉब्लम नहीं होगी फोर मिलियन तक की बात चल रही है पे लेट सी बी एबल टू साइन हिम और नॉट ना ओरियल रिमू के बारे में बात करते थोड़ा सा हमने तो बार्सा के डिफेंसिव डीएम्स की हमने ट्रेड्स नोट डाउन कर लिए अगर आप देखोगे ऑन द बॉल ओर रिम्यूव कैसा है तो ही वुड नॉट बी द बेस्ट ऑफ द पासर्स ऑफ द गेम बट ये बंदा एक्यूरेट है इन शॉर्ट टर्म लिंक अप प्ले बिल्डअप फ्रॉम द बैक फर्स्ट थर्ड्स में ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इतना तो मैं कह सकता हूं मिड थर्ड्स में आप आओगे फाइनल थर्ड्स में आओगे देखो डीएम की फाइनल थर्ड्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है इट ओनली कम्स डाउन वन यू आर अटैकिंग एंड आपके काफी सारे प्लेयर्स हैव द पिच है मिड थर्ड्स इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी फॉर हिम अगर आप ये पासिंग एक सोनार चार्ट देखोगे जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पासिस कितने वॉल्यूम किस डायरेक्शन

फ वी गो विदऊट अ गाय लाइक ओर विल रिम्यू इन द नेक्स सीजन यार हमारी बजने वाली है ठीक है सो राट लेट्स गोड इन साइन दिस गाय पांच मिलियन आठ मिलियन मत सोचो शॉर्ट टर्म फिक्स है थर्टी वन इज ऑफ एज है आएगा बंदा चला जाएगा ही लेट्स अर प्लेयर्स शाइन एंड इसलिए मैं कह रहे एक underrated signing हो अंडर रेटेड साइनिंग होगी करनी चाहिए हम लोगों को नाउ एक पे बहुत इंपॉर्टेंट इशू द राइड बैक एट बार्सुलवी ने खूंड को कन्विंस किया था लास्ट ईयर टू तो प्ले एज अ राइड बैक और मुझे लगता है काफी सारे भाई लोग हमारे कहते हैं ये राइडबैक right लाना चाहिए अरनास लाना चाहिए हमें फ्रिमपोंग लाना चाहिए हमें पवाड लाना चाहिए हमें फ्रेसनी लाना चाहिए बट गाइस एक बात आप समझने की कोशिश करो गिवेन जो बार्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन में दे कांट गो आउट एंड साइन अ टॉप टॉप राइट right बैक तो उनको एक मेक शिफ्ट राइट बैक में कहीं ना कहीं से सोल्यूशन लाना पड़ेगा इसके लिए आते हैं जूस कुंडे अब जावी ने कुंडे को कन्विंस कैसे किया टू तो प्ले एट बार्सिलोना क्योंकि उसने फेब्रवरी में लास्ट टाइम कहा था ही इज़ नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग एट द राइट बैक पोजिशन और वो अपनी नेचुरल पोजिशन में खेलना चाहता है सो अब 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 जावी ने कहा कुंडे से कि भाई देख जो हम पोजीशन खेलते हैं ऑन पिच इट वुड अपियर टू बी एज अ राइट बैक पोजिशन फॉर यू बट इन ट्रांजिशन वेन वी गिव वेन वी टेक द बॉल फर्दर ऑफ द पिच जब हम एक रेस्ट डिफेंस में होते हैं इट इज़ अ थ्री टू फोर वन फॉर्मेशन या थ्री टू फाइव फॉर्मेशन जहां पर आप ऑक्सिलरी राइट right बैक खेलते हो मतलब एक थ्री सेंटर बैक फॉर्मेशन में आप राइट साइड सेंटर बैक खेलते हो दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर यू सो एक बात मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे दैट जो ट्रेडिशनल राइट बैक है बार्सोलोना इस सिस्टम में फिट नहीं कर सकी लाइक यू कॉट गो ऑन एंड हैव लाइक एक माओ गुस्तो या फिर एक फ्रिम इन दिस सिस्टम राइट साइडेड सेंटर को ऊपर जाने की अलाउंस ना मिले आप फ्रिपोंग को लाओगे यू कांट ऑस टू बी बैक थ्री मैन आप उसे कहोगे भाई तू ऊपर चढ़ अटैक कर और बॉल डाल और हम ये क्यों नहीं कर सकते वाई बिकॉज आर लेफ्ट साइडेड सेंटर लेफ्ट बैक हमारा वो काम करता है तो इफ यू कैन गो ऑन एंड आस बोथ ऑफ योर फुल बैक्स टू अटैक वो एक डिफरेंट सिस्टम है जहां पे आपको अपने डिफेंस को कहना पड़ेगा पीछे आओ दैट विल बी अ होल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले जो बार नहीं खेलती इस स्पॉर्ट टाइम पे दे प्ले विद बाल्डे और जो कि एक हाईली अटैकिंग फुल बैक है सो यू टेल मी ओनली मैं आप लोग से पूछूंगा आप कूडे और और बाल्डे में किसको देखोगे ओवरलैप करते हुए सब कहेंगे बाल्डे सब कहेंगे बाल्डे को मैं देखूंगा ओवरलैप करते कूडे को मैं कहूंगा भाई राधर स्टे इन अ बैक थ्री एंड दैट्स वाई कुंडे हैज बीन स्टेइंग एंड हैज अग्री टू प्ले एज अ राइट साइड बैक बट यहाँ पे एक ऑप्शन है अबाउट इवान ने मैं क्यों उस बंदे का नाम ले रहा हूं आई कुड कुफ गोन ऑन विद अर जो कि मेरा पिक रहता है हमेशा बट वन आई स्टडीड अबाउट इवन प्रदा मुझे एक बात पता चली कि ही इज नॉट दैट ट्रेडिशनल मॉडर्न फुल बैक जो कि हाई काउंटर अटैक करेगा चढ़ेगा ओवरलैप करेगा ही इज अ डिफेंसिव फुल बैक ही इज वेरी गुड इन टैकलिंग कंपोजर है बंदे के पास मिड फील्ड में बंदा खेल सकता है वेरी एक्सप्लोजिव है और बाई टैकलिंग मास्टर क्लास है बंदा सो so अभी यहाँ पे ब्रीफ में हम बस आप लोगों को बताने वाले हैं थोड़ी सी चीजें और ये बंदा काफी यंग है अठारह साल की एज का एक प्लेयर है एंड यू कुड कंपेयर विद द विद्स ऑफ कुंबेडी जो लेन पे खेलते हैं कंबेडी

टू अंडरस्टैंड की वॉट बॉर्सा नीड्स एंड ये स्काउट रिपोर्ट मैंने आप लोग को प्रेजेंट किया होपफली यू लाइक दैट एंड डू लेट मी नो आप लोग ऑब्जर्वेशन है तब तक मैं आप लोगों से मिलता हूँ वेरी वेरी सुन विस्केल बॉर्सा एंड पीस आउट